फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अगर आपको ड्रीम इलेवन के अंदर कोई भी कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करते हैं लेकिन वो कॉन्टेस्ट जो है ज्वाइन एड में नहीं दिखा रहा, कॉन्टेस्ट ज्वाइन है लेकिन शो नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन और सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताया जाएगा। ध्यान से आपको सारा प्रोसेस यहाँ पर समझना है, देखना है। तो यहाँ पर अगर आपको भी दिक्कत है, अगर आपको भी प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से आप इसको ठीक करेंगे, क्या करना होगा आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपका जो मैच आपने लगाया है वो कॉन्टेस्ट आपको माय मैचेस में चले जाना होगा। माय मैचेस में आने के बाद यहाँ पर आपका जो कॉन्टेस्ट है वो अपकमिंग यहाँ पे शो होगा, अगर आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर वो शो नहीं होता है। इसके अलावा आप अगर कोई मैच खेल रहे हैं तो वो लाइव में चला जाएगा। अगर आपका मैच जो है अभी लाइव चल रहा है तो वो लाइव में आएगा, और कम्प्लीट अगर हो चुका है तो वो यहाँ पे आता है। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको जो है यहाँ पे आपका कॉन्टेस्ट शो होगा। कई बार क्या होता है कि अगर आप जो है मान लीजिए आपने क्रिकेट की कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन की है और आप यहाँ पे गलती से टिक लगा देते हैं फुटबॉल पर, तो यहाँ पे अगर आपको फुटबॉल पर टिक लगा हुआ है तो आपके मैचेस फुटबॉल में शो होंगे, और अब फुटबॉल का कोई भी मैच आपने नहीं लगाया है, इस वजह से आपका क्रिकेट का सेक्शन जो है अलग रहता है और फुटबॉल का अलग है। तो ऊपर आपको चेक करना है आपने जो है टिक कहाँ पर लगाई है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल जो देख रहे हैं वो देख चेक करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपका यहाँ पे जो है कॉन्टेस्ट शो होगा। इसके अलावा अगर फिर भी दिक्कत है तो प्ले स्टोर खोलने अपने फ़ोन की, और उसके बाद प्ले स्टोर में ही सर्च करना है आपको ड्रीम इलेवन। आपकी एप्लीकेशन आपको ड्रीम इलेवन की प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, तो बस अपने एप्लीकेशन को अपडेट करने की ज़रूरत है। अपडेट कीजिए अपने ऐप को, जैसे एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।